व्यूअर्स, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। तो आज हम कार्टून ट्यूटोरियल बनाएंगे, वो भी फ्री। आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, जे के जिस तरह आपको समझ आ सके। तो वीडियो तमाम दिलचस्प है। सबसे पहले हम बैकग्राउंड तब्दील करेंगे। आप देख सकते हैं ए वॉच ऐड करेंगे, वॉच ऐड पे क्लिक करेंगे तो वॉच ऐड हो गया। और इम्पोर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, इमेज इम्पोर्ट करेंगे, मतलब उसका बैकग्राउंड हमें चूज़ करना होगा अपनी गैलरी से। जो भी हम अपनी मर्ज़ी का इसमें बैकग्राउंड डाल सकते हैं वो देख सकते हैं आप। मैंने इसको इस तरह का बैकग्राउंड दे दिया, आप इसको जिस तरह मूव कर सकते हैं आप कर सकते हैं। और नाज़रीन, हम इस एप्लीकेशन में करेक्टर भी ज़्यादा कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें जहाँ लोगो लिखा हुआ है आदमी का, वहाँ हम करेक्टर बढ़ा भी सकते हैं, छोटे भी कम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें चार करेक्टर हैं। हम इसमें लेडी लिली गर्ल, लेडी टू, लेडी वन ऐड कर सकते हैं, मैन को ऐड कर सकते हैं, बॉय गर्ल को ऐड कर सकते हैं, लेडी को ऐड कर सकते हैं, मैन को ऐड कर सकते हैं, मतलब जितने आप मर्ज़ी करेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं तो कर सकते हैं इसमें, और दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो नाज़रीन, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बेल के आइकन को लाजम प्रेस करें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे और आपके लिए इजाफा होता रहे। तो नाज़रीन, हमने शो किया ऐड, उसके बाद हमने इसको इस तरह कर दिया, ये देख सकते हैं। तो हम सिर्फ दो करेक्टर को इस्तेमाल करेंगे इस वीडियो में एंड तक। तो हम जो लेडी और मैन है इसको ख़त्म कर देंगे, हमने सिर्फ दो करेक्टर पर ही अपना फोकस करना है, इस पर हमने वीडियो आगे चलाना है। तो हमें सिर्फ दो करेक्टर चाहिए, तो इसलिए वीडियो को हम शॉर्ट करते हैं जिस तरह आपको समझ आ सके। तो नाज़रीन, देख सकते हैं सिर्फ हमने दो करेक्टर इस्तेमाल किए हैं। और उसके बाद हम जो शो फ्रेम की ऑप्शन आए, इसमें हम एनिमेशन कर सकते हैं, इसको लाजमी ऑन कर देना है। आप देख सकते हैं प्लस माइनस का निशान आ चुका है, और उसके बाद जो आदमी पर प्लस का निशान है उसको दबाएँगे तो ये इंटरफेस आएगा। इसमें हम एनिमेशन कर सकते हैं, मतलब किक करना है, वॉक करनी है, डांस करनी है, इसका मतलब रन करना है। इसमें हम देख सकते हैं हम इसको सिर्फ टॉक करेंगे, आप ये देख सकते हैं सिर्फ हम इसको टॉक करेंगे, टॉक वन पे क्लिक कर देंगे और ओके के निशान पे क्लिक कर देंगे। ये देख टॉक कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको, मतलब प्लस के निशान को दबाएँगे अब, मतलब कितने सेकेंड हमने टॉक करना है। आप देख सकते हैं सिर्फ 6 सेकेंड हमने इसको सेलेक्ट किया है, और उसके बाद हमने फिर दोबारा इस पर प्लस के निशान पर क्लिक कर देना है। ये हमने अब मूवी वन पे क्लिक कर देना है, मूवी वन पर, और उसके बाद हम कहते हैं कि ये वॉक करें, तो सिर्फ हमने वॉकिंग के एनिमेशन को क्लिक कर देना है। ऊपर ऊपर लिखा है वॉक, सिर्फ हमने वॉक के कहते हैं कि बस ये वॉक करे। हमने इस पर क्लिक कर दिया, ओके के निशान को बटन को दबा दिया, और हम चाहते हैं प्लस के निशान को जितना दबाएँगे, जितना मूव करते जाएंगे प्लस के निशान को दबाते जाएंगे, इतना सेकंड इसने वॉक करना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह, सिर्फ हमने प्लस के निशान को दबाना है, इस तरह वॉक करेगा ये, जितना आप सेकंड्स को चलाएंगे इतना सेकंड चलेगा। और उसके बाद हम आ जाते हैं इस पर, और ये हम इसका भी टॉक करते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। बहुत से ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इस पर जो भी आपका मतलब करेक्टर को आपने एनिमेशन देनी है आप वो कर सकते हैं इसमें डायरेक्टली, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ आपको ये मैं समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आपको समझ आ सके, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब हम जीआईएस पे हम इसको लड़की को कुछ कहते हैं कि ये टॉक करे, सिर्फ मतलब ये बात करे, यहाँ बंदा बात करे, देखते हैं। ये एनिमेशन आप देख सकते हैं, स्लीपिंग, सिटिंग, टॉकिंग, डांसिंग, मतलब एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन दिस एप्लीकेशन। ये लड़की अब बात कर रही है, इसको जहाँ भी सेट करेंगे, ये हमने इसको 16 का दिया है अपना सेकंड्स, ये बात करेगी। अब जितनी मतलब इसके कम कर सकते हैं सेकंड्स को, ज़्यादा कर सकते हैं। प्लस माइनस का निशान आपको नज़र आ रहा है इस पर, आप जितने सेकंड्स ये बात करेगी इस तरीके से बात करेगी ये, तो हम इसको बात करने देते हैं। बस यही इसमें एनिमेशन, जो भी मतलब आप चाहें इसको एनिमेशन दे सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारा रिकॉर्ड का रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो निशान आ रहा है रिकॉर्ड का उस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इन्फॉर्मेशन आएगा। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने कर देना, स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करके ये स्क्रीन शूट आपने ले लेना है, ठीक है, हो गया, बस यही करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस यही करना है। स्क्रीन रिकॉर्डर पर ये वीडियो बनेगी, आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, इसको क्रॉपिंग करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आप डाल सकते हैं इसकी वीडियो।